हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डे टू में। आज हम सीखने वाले हैं न्यू ओपन सेव सेबेस के बारे में, फाइल को पासवर्ड से सेव करना क्या होता है, फाइल को क्लोज करना क्या होता है और प्रोग्राम को एग्जिट करना क्या होता है, कट कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं, फॉर्मेट प्रिंटर का प्रयोग करना, क्लिपबोर्ड का प्रयोग करना, फाइल को प्रिंट करना, बुलेट नंबरिंग का प्रयोग करना, हेडिंग लगाना और मल्टी लेवल लिस्ट। तो आज हम इस वीडियो में कुल 10 पॉइंट कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं न्यू क्या होता है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर हम एक फाइल पे काम कर रहे हैं। अगर मुझे किसी और फाइल पे काम करना है तो उसके लिए हमें एक नया डॉक्यूमेंट लेना होगा या न्यू फाइल लेना होगा। तो इसके लिए फाइल टैब पे आएंगे और यहाँ से न्यू पर क्लिक कर देंगे। जब हम न्यू पर क्लिक करते हैं तो ऊपर सबसे ऊपर आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मिलता है। अगर हम यहाँ क्लिक करते हैं तो हमें एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट मिलता है, जबकि नीचे बहुत सारे आपको टेम्पलेट शो हो रहे होंगे। टेम्पलेट मतलब होता है जो पहले से बने हुए डॉक्यूमेंट होते हैं, जिनका प्रयोग करके हम अपने डॉक्यूमेंट को बना सकते हैं। जैसे अगर हमने कोई डॉक्यूमेंट कभी नहीं बनाया है और हमें पता भी नहीं है कि उस डॉक्यूमेंट को बनाने में कौन कौन से कंटेंट लिखने होते हैं, तो उसके लिए हम टेम्पलेट को लेंगे और उसमें जो भी कुछ लिखा रहेगा उसको मिटा के अपने अनुसार उसको एडिट कर लेंगे। तो टेम्पलेट एक पहले से बना हुआ डॉक्यूमेंट होता है जिसका प्रयोग करके हम अपने हिसाब से डॉक्यूमेंट को बना सकते हैं। जबकि हमें अपना डॉक्यूमेंट बनाना है और बिल्कुल ब्लैंक चाहिए, सादा पेज चाहिए, तो उसके लिए हम लोग ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे तो हमको एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट मिल गया। ब्लैंक डॉक्यूमेंट को लेने के लिए शॉर्टकट जो होता है वो Ctrl+N होता है। Ctrl+N जो है ये हमारा, ये है एक न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेने के लिए। अब हम जानेंगे डॉक्यूमेंट लेने के बाद अब हम जानने वाले हैं कि कैसे हम लोग ओपन करते हैं, कैसे हम लोग सेव करते हैं, कैसे हम लोग सेव एज करते हैं। तो जो हमारी फाइल है इसमें मैंने Ctrl+N लिखा हुआ है, इसको हम सेव करते हैं। तो सेव करने के लिए फिर से आएंगे हम लोग फाइल टैब पे और यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक कमांड है, इसका नाम है सेव। इस पर क्लिक करेंगे, सेव पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। जैसे आपको डॉक्यूमेंट में सेव करना है, ये सारे फोल्डर हैं यहाँ सेव करना है, या आपको ब्राउज करके कहीं भी सेव करना है, या आपको ऑनलाइन अपनी फाइल सेव करनी है, तो यहाँ पे सेव करने के बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। सपोज डैट अगर हमें अपनी फाइल डॉक्यूमेंट में सेव करनी है तो हम डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम फाइल का नाम देंगे माई फाइल टू और यहाँ सेव कर देंगे तो हमारी फाइल जो है ये डॉक्यूमेंट में सेव हो गई है। ये हमारी फाइल जो है ये कहाँ सेव हो गई है, डॉक्यूमेंट में सेव हो गई है। तो चलिए हम सेव नहीं करते हैं, क्लोज करते हैं इसको यहाँ से। अगर हमें अपनी फाइल को डॉक्यूमेंट के अलावा किसी और फोल्डर में सेव करना है, जैसे डी ड्राइव में कोई फोल्डर है वहाँ सेव करना है, तो हम लोग ब्राउज पे आएंगे। यहाँ से आने के बाद यहाँ से हम लोग ब्राउज करेंगे कि हमारा ड्राइव कौन सा है। तो जैसे हमारा ड्राइव ई है, ई ड्राइव पे क्लिक करेंगे। ई ड्राइव में यहाँ पे कौन से फोल्डर है उसको सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद फाइल को यहाँ पे नाम दे करके और सेव पर क्लिक करेंगे, जिससे हमारी फाइल सेव हो जाएगी। तो चलिए हम इस फाइल को सेव करते हैं जो हमारा फाइल बना हुआ है। इसमें हम कुछ और मैटर भी लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक फंक्शन है इक्वल रैंड, अगर इसको लिख करके हम लोग एंटर प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर बहुत सारे मैटर जो हैं वो आ जाते हैं। बहुत सारे मैटर इन द सेंस यहाँ पे आपको 3 पैराग्राफ पहले से लिखा हुआ मिल जाएगा। अब इसी को हम लोग सेव करते हैं तो हम लोग आएंगे फाइल टैब पे, यहाँ पे आएंगे सेव पर। हम अपने फाइल को डॉक्यूमेंट में सेव करने वाले हैं तो हम डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके यहाँ पे हम लिखेंगे फाइल टू और यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे और हमारी फाइल जो है वो सेव हो जाएगी। तो हमारी फाइल सेव हो गई, कैसे पता? देखिए ऊपर यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है फाइल टू, इसका मतलब है हमारा फाइल सेव हो गया। तो इससे हम लोग बोलते हैं सेव। अब इस फाइल को बंद करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आएंगे यहाँ फाइल टैब पे और यहाँ पे है क्लोज, आपको नीचे दिख रहा होगा क्लोज कमांड। हम क्लोज कमांड पे क्लिक करेंगे तो हमारी फाइल जो है वो बंद हो जाएगी। तो फाइल हमारी बंद हो गई और पीछे ये फाइल खुली हुई थी इसलिए ये फाइल हमारे सामने आ गई। आई होप आपको न्यू अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम जानने वाले हैं ओपन, जो फाइल हमने अभी सेव किया है, जिसको हमने बंद किया है, अगर वो फाइल हमें खोलना है तो हम फिर से आएंगे फाइल टैब पे और यहाँ पे आएंगे ओपन पे। जैसे ही ओपन पे आप क्लिक करेंगे
तो बगल में ही आपको जो फाइलें सेव की गई हैं उनका लिस्ट यहाँ पर दिखाई देगा। अगर आपको यहाँ पर सेव की गई फाइलों का नाम शो नहीं होता है तो आप ब्राउज कर सकते हैं, ब्राउज में जा करके उस फाइल को खोज सकते हैं। जबकि हमारी फाइल का नाम यहाँ पे देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा फाइल टू, बस आपको यहाँ पे एक क्लिक करना है और आपकी फाइल ओपन हो गई। तो इसे हम लोग बोलते हैं फाइल को ओपन करना। तो फिर से फाइल को क्लोज करते हैं, ये हमारी फाइल क्लोज हो गई। और ओपन करना है, फाइल पे आएंगे, ओपन पे आएंगे और यहाँ से जो भी फाइल ओपन करना होगा उस पर क्लिक कर देंगे, ओपन हो गया, ये हमारा ओपन होता है। इसके बाद आते हैं सेव एज पे। सेव एज का मतलब ये होता है अगर हमारी जो फाइल है जो अभी मैंने सेव की हुई थी, ये मेरी फाइल है, अगर इसी फाइल को किसी और के लिए, मतलब मेरा कोई फ्रेंड है वो चाहता है ये भी फाइल जो फाइल बनी हुई है यही सेम फाइल उसके पास भी हो लेकिन उसके नाम से, तो इस फाइल को हम उसके नाम से सेव एज कर देंगे। हम आएंगे फाइल टैब पे और सेव एज पे क्लिक करेंगे। उसके बाद कहाँ सेव करना है हम बताएंगे, सपोज डॉक्यूमेंट में करना है, डॉक्यूमेंट में करेंगे और उसका मान लीजिए नाम है अमित, मेरे फ्रेंड का नाम मान लीजिए अमित है, तो अमित फाइल टू, अमित फाइल टू, इस नाम से हमने फाइल को सेव एज कर दिया। तो ये क्या हुआ, इससे हमारी जो फाइल है वो दो नाम से सेव हो गई, पहली हमारी थी फाइल टू और दूसरी हमारी है अमित फाइल टू। यानी कि किसी फाइल को यदि किसी और नाम से सेव करना हो तो हो हम सेव एज का प्रयोग करते हैं, किसी फाइल को अगर किसी और नाम से सेव करना हो तो हम सेव एज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये होता है सेव एज। सेव क्या होता है, जब फाइल को हमें पहली बार सेव करना होता है तो हम सेव करते हैं, और यदि उसी फाइल में बार बार सेव करना होता है तो भी हम सेव का प्रयोग करते हैं। लेकिन यदि उस फाइल का नेम चेंज करके या लोकेशन चेंज करके कि हमें कहीं और सेव करना है, किसी और नाम से सेव करना है, तो हम सेव एज का प्रयोग करते हैं। आई होप आपको बातें समझ में आ गई होंगी, नहीं समझ में आ रही होंगी तो आप कमेंट करिएगा, आपको इसके बारे में और एग्जांपल लेके अच्छे से बताया जाएगा। अगला हमारा पॉइंट है फाइल को पासवर्ड से सेव करना। फाइल को पासवर्ड सेव करना क्या होता है, हम यहाँ पे पहले एक न्यू फाइल लेते हैं, चलिए हम लोग शॉर्टकट का यूज करेंगे, शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस एन और हमने इक्वल आर ए एन डी कर दिया, यहाँ पे ब्रैकेट लगा के एंटर किया तो यहाँ पे पहले से ही कुछ पैराग्राफ लिखे हुए आ गए। ये हमारी फाइल है, इसको हम सेव करते हैं और हम इस फाइल का नाम हम देते हैं, इस फाइल को सेव करते हैं और डॉक्यूमेंट में और इसका नाम देते हैं हिंदी फाइल, फाइल वन, हिंदी फाइल वन। अब हम चाहते हैं इस फाइल में पासवर्ड लग जाए, तो पासवर्ड लगाने के लिए यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा टूल्स एक ऑप्शन, हम इस टूल्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आएंगे जनरल ऑप्शन में। कहाँ पे आएंगे, जनरल ऑप्शन में आएंगे। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है पासवर्ड टू ओपन, जो भी हमें पासवर्ड लगाना है, जैसे सपोज हमें लगाना है 000, तो पासवर्ड हमने यहाँ पे लिखा कर दिया ओके, एक बार फिर से री एंटर करना होगा 000 और फिर कर देंगे ओके, फाइल का नाम है हिंदी फाइल वन, अब हमने सेव पर क्लिक कर दिया, हमारी जो फाइल है ये पासवर्ड से सेव हो गई। तो देखिए ये हमारी फाइल है, इसका नाम है हिंदी फाइल वन और ये पासवर्ड से सेव हो गया है। तो इसको हम आते हैं और क्लोज करते हैं, क्लोज करने के बाद ये हमारी फाइल क्लोज हो गई। और जब भी इस फाइल को ओपन किया जाएगा, ओपन पे आएंगे, हिंदी फाइल वन को ओपन करेंगे, तो देखिए पूछ रहा है इंटर पासवर्ड टू ओपन फाइल, अगर यहाँ पे हम पासवर्ड कुछ भी देते हैं और करते हैं ओके तो कह रहा है दिस पासवर्ड इज इनकरेक्ट, मतलब जब तक हम सही पासवर्ड नहीं देंगे तब तक हमारी फाइल ओपन नहीं होगी। फाइल में आते हैं, यहाँ से ओपन करते हैं, हिंदी फाइल वन पे क्लिक करते हैं और पासवर्ड था हमारा 000, उसके बाद करते हैं ओके तो हमारी फाइल जो है वो ओपन हो जाती है। देखिए हमारी फाइल यही थी और हमारी फाइल ओपन हो गई है, फाइल का नाम ऊपर शो हो रहा है। तो ये हो गया फाइल को पासवर्ड से सेव करना। तो इस फाइल को हम बंद करते हैं, चलिए आते हैं नेक्स्ट, फाइल को क्लोज करना एंड प्रोग्राम को एग्जिट करना। तो फाइल को क्लोज करने के लिए आपने देखा ही होगा अभी तक हम लोग फाइल बनाने के बाद फाइल टैब पे आ करके और यहाँ से क्लोज द्वारा हम अपने खुले हुए फाइल को बंद कर दे रहे हैं, जबकि अगर हमें प्रोग्राम को बंद करना हो तो उसको एग्जिट बोला जाता है।
ठीक है, जो डॉक्यूमेंट हमारा है या जिसे हम फाइल बोल रहे हैं, अगर उसे बंद करना हो तो क्लोज कहा जाता है, जबकि प्रोग्राम को जब बंद करना होता है तो उसे एग्जिट कहा जाता है। अगर हमें फाइल को क्लोज करना है तो हम लोग फाइल में आएंगे और यहाँ से क्लोज पर क्लिक करेंगे। अदरवाइज अगर हमें प्रोग्राम बंद करना है तो हम आएंगे इस प्रोग्राम की सबसे ऊपर वाली पट्टी पर, जिसे हम लोग बोलते हैं टाइटल बार, और यहाँ पर सबसे लास्ट में आपको दिख रहा होगा क्लोज, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा प्रोग्राम जो है वो बंद हो जाएगा। तो दोस्तों, हमें प्रोग्राम बंद नहीं करना है, हमें केवल आपको बताना है कि प्रोग्राम बंद कैसे करते हैं। तो हम यहाँ पे क्लिक नहीं करने वाले हैं, आप जब इसको अपने कंप्यूटर में करेंगे तो यहाँ पर क्लिक करके हम प्रोग्राम को बंद कर देते हैं। और अगर हम प्रोग्राम बंद कर रहे हैं तो बहुत जरूरी है ये चेक करना कि क्या हमारा फाइल सेव है या नहीं। अगर हमारा फाइल सेव होगा तो हमारा प्रोग्राम तुरंत बंद हो जाएगा, और अगर हमारा फाइल सेव नहीं होगा तो पहले वो हमें उसे सेव करना पड़ेगा, तब उसे बंद करना पड़ेगा, या आप अपनी आवश्यकता अनुसार बिना सेव किए भी बंद कर सकते हैं। तो प्रोग्राम को बंद करने से पहले या फाइल को बंद करने से पहले सेव होना आवश्यक है, क्योंकि अगर आपने सेव नहीं किया है और प्रोग्राम डायरेक्ट बंद हो जाए, जो कि होता नहीं है, अगर मान लीजिए डायरेक्ट बंद हो जाए और आपने सेव नहीं किया है तो आपका लिखा गया जो डाटा है वो सब लॉस हो जाएगा। इसीलिए जब भी हम लोग न्यू करते हैं और फाइल सेव नहीं है तो भी वो बैकग्राउंड में खुली होती है, और जब कभी उसे हम लोग बंद करेंगे या प्रोग्राम को बंद करेंगे तो हमसे जरूर पूछेगा कि फाइल आपको सेव करनी है अथवा नहीं। तो ये होता है हमारा फाइल क्लोज करना एंड प्रोग्राम को एग्जिट करना। अब जानेंगे कट, कॉपी और पेस्ट के बारे में। तो चलिए हम लोग कंट्रोल एन के द्वारा एक नया डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कुछ मैटर लिखते हैं, जैसे मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू। फिर लिखा गया इनपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर, कीबोर्ड, माउस। फिर लिखा गया आउटपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर, इसमें लिखा गया मॉनिटर, प्रिंटर। तो यहाँ पे हमने एक मैटर लिख लिया है। अब इस मैटर में अगर कोई ये कह रहा है कि जो ये लिखा गया है मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर और सभी पार्ट के नाम, इसे हटा करके नीचे कर दिया जाए, या इसी मैटर को यहाँ भी रहने दिया जाए और एक बार और ला करके लगा दिया जाए, तो इन दोनों केसों में कट, कॉपी और पेस्ट का प्रयोग होगा। तो कट, कॉपी, पेस्ट में हम लोग कट या पेस्ट करते हैं या कॉपी और पेस्ट करते हैं। जैसे अगर इस मैटर को हटा के नीचे लाना है तो पहले हम कट करेंगे। कट करने के लिए देखिए यहाँ पे आपको होम टैब पे कट दिखाई दे रहा होगा, तो जिस मैटर को कट करना है उस पर सेलेक्ट करेंगे। जब तक आप सेलेक्ट नहीं करेंगे, देखिए कट जो है आपका यहाँ पे एक्टिव नहीं है, तो पहले मैटर को हम सेलेक्ट करेंगे जो हमें कट करना है, और फिर हम कट पर क्लिक करेंगे तो मैटर हमारा कट हो गया। उसके बाद हमें जहां लाना है, सपोज डायरेक्ट नीचे लाना है, तो हम अपना कर्सर, ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है इसे बोलते हैं कर्सर, कर्सर नीचे लाएंगे और पेस्ट पर क्लिक कर देंगे, तो देखिए मैटर हमारा पेस्ट हो गया। तो यही मैटर जो मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर है, ये पहले ऊपर था और अभी नीचे आ गया है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कट एंड पेस्ट। किसी मैटर को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह पे लगाना कट पेस्ट कहलाता है, और इसे हम लोग मूव करना भी बोलते हैं। दूसरा होता है कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट ये होता है कि अगर मान लीजिए जो इनपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर लिखा हुआ है और दो इनपुट के नाम लिखे हुए हैं, इसे मुझे नीचे भी लेके आना है, यहाँ भी रहे और नीचे भी लेके आना है, तो हम लोग कॉपी पे क्लिक करते हैं। कॉपी होने के बाद आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन जैसे ही आप नीचे आकर के पेस्ट करेंगे, आप नीचे आएंगे यहाँ पर और आप पेस्ट करेंगे, तो आप देखेंगे वही मैटर जो कॉपी हुआ था यहाँ पे पेस्ट हो गया। तो कट पेस्ट होता है मैटर को हटाकर किसी और जगह पे लगाना, और कॉपी पेस्ट होता है मैटर को जहां पर है उसके साथ साथ किसी और जगह पर भी लगाना। तो जैसे हम लोग पेन ड्राइव से कंप्यूटर में या कंप्यूटर से पेन ड्राइव में डाटा को ट्रांसफर करते हैं, तो यहाँ भी कॉपी और पेस्ट का ही प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर कंप्यूटर से डाटा हटा करके और पेन ड्राइव में लेना हो, तब हम यहाँ पे कट पेस्ट का प्रयोग करते हैं। आई होप आपको बातें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए आगे जानते हैं कट, कॉपी, पेस्ट के बाद अब हम जानने वाले हैं बुलेट एंड नंबरिंग, फिर इनके बारे में आगे बढ़ेंगे। देखिए बुलेट एंड नंबरिंग में क्या होता है कि जैसे हमारे पास कोई लिस्ट है, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने इनपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर, कीबोर्ड और माउस, तो जो हेडिंग है इसको हम सेलेक्ट करके यहाँ पे बोल्ड करते हैं, कलर रेड करते हैं, उसके बाद इन दोनों को हम लोग
नंबरिंग चाहते हैं करना। देखिए दोस्तों, बोल्ड करने के लिए इस मैटर को सेलेक्ट करेंगे और ये बी बना हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे। और कलर करने के लिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ए बना हुआ है, हम इस पे क्लिक करेंगे। इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन अभी मुझे थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करनी थी तो इसको मैंने सेलेक्ट करके बोल्ड और कलर कर लिया। नीचे लिखा हुआ कीबोर्ड माउस, इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो पॉइंट है, यहाँ पे लिखा है बुलेट्स और यहाँ पे लिखा हुआ है नंबरिंग। दोस्तों जब हम किसी भी ऑप्शन पे आते हैं और वहां पर अपने माउस को ला करके रोकते हैं तो हमें टूल टिप, जो आपको नीचे लिखा हुआ है बुलेट्स, यहाँ पर इसको बोला जाता है टूल टिप। टूल टिप के द्वारा उस ऑप्शन के बारे में कि वो ऑप्शन किस चीज से संबंधित है और उसका क्या प्रयोग है, वो जानकारी हमें मिल जाती है। तो हमें बुलेट लगाना है, हम इसके बगल में जो पॉइंट है यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपको अलग अलग बुलेट बहुत सारे दिखाई देंगे। इसके अलावा चाहिए तो आप डिफाइंड न्यू बुलेट में जा करके यहाँ से सिंबल है, बहुत सारे सिंबल आप ले सकते हैं। यहाँ पे पिक्चर है, आप बहुत सारे पिक्चर ले सकते हैं। और यहाँ बहुत सारे फॉन्ट हैं, तो इनमें से आप बहुत सारे सिंबल, पिक्चर और फॉन्ट को बुलेट के रूप में लगा सकते हैं। जबकि अगर हमें सिंपल सा जो भी दिखाई दे रहा है पहले उसी को लगाना है तो हम क्या करेंगे, सिंपल बुलेट पे आएंगे यहाँ पर, और यहाँ से आने के बाद जो भी लगाना होगा उस पर क्लिक कर देंगे तो ये हमारा लग गया बुलेट। अब उसके बाद ये जो लिखा हुआ इनपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर, सेम यही फॉर्मेटिंग यानी कि बोल्ड एंड कलर इस वाले हेडिंग पे लगाना है। तो ऐसा नहीं है कि इसको सेलेक्ट करके फिर हमें बोल्ड और कलर करना होगा। यहाँ पर हम लोग एक और ऑप्शन पढ़ने वाले हैं आज, जिसका नाम है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, इसका काम क्या होता है कि जैसे ये वाला मैटर है, इस मैटर की फॉर्मेटिंग जो भी की गई है, बोल्ड किया गया है, इसको कलर किया गया है, वही सेम फॉर्मेटिंग अगर हम इस मैटर पे भी और इस मैटर पे भी लगाना चाहते हैं तो जो फॉर्मेटिंग किया गया उसको सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करेंगे और जैसे इसको हम सेलेक्ट करेंगे देखिए सेम फॉर्मेटिंग इस पे आ गया। फिर हम लोग फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करेंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे, देखिए सेम फॉर्मेटिंग आ गया। तो अगर किसी मैटर पर किए गए फॉर्मेटिंग को किसी दूसरे मैटर पर लगाना हो तो उसके लिए फॉर्मेट पेंटर जो हमारा ये कमांड है उसका प्रयोग किया जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा फॉर्मेट पेंटर क्या होता है, ये भी समझ में आ गया होगा। तो ये फॉर्मेट पेंटर है, इसका मतलब होता है कि किसी मैटर पर, जैसे ये हमारा मैटर है, इसको सेलेक्ट करके हमने बोल्ड कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, कलर कर दिया, थोड़ा सा बड़ा भी कर दिया। अब सेम फॉर्मेटिंग हम इस मैटर में भी चाहते हैं अप्लाई हो जाए तो सेलेक्ट करना है, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करना है और जैसे आप सेलेक्ट करेंगे इसको देखिए सेम फॉर्मेटिंग इस वाले मैटर पे भी लागू हो गया। तो इसे कहा जाता है फॉर्मेट पेंटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा हेडिंग है बुलेट नंबरिंग में नंबरिंग। तो नंबरिंग क्या होता है, देखिए यहाँ पे दोस्तों हमने बुलेट लगाया है, ऐसे ही अगर इसकी नंबरिंग करनी हो तो सेलेक्ट करेंगे और इसके बगल में यहाँ पे दिखा रहा नंबरिंग, यहाँ पे क्लिक करेंगे और जिस तरह का नंबरिंग 1, 2 ए बी कैपिटल में, स्मॉल में या रोमन अंक में, जैसा भी हमको नंबरिंग करना होगा उस पर क्लिक करेंगे और हमारा नंबरिंग हो जाएगा। तो ये ऊपर लगा हुआ है जिसे हम लोग बोलते हैं बुलेट, और नीचे लगा हुआ है उसे बोलते हैं नंबरिंग। तो ये है आपका बुलेट एंड नंबरिंग। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद अगला हम लोग जानते हैं क्लिप बोर्ड क्या होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिप बोर्ड, आपको क्लिप बोर्ड को ओपन करने के लिए यहाँ पे जो इसका लॉन्चर है इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिप बोर्ड हमारा ओपन हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे पहले से कुछ मैटर लिख के आ रहा है, इसको हम लोग क्लियर ऑल कर देते हैं। क्या होता है क्लिपबोर्ड, जैसे अगर हम कीबोर्ड को सेलेक्ट करके कॉपी करते हैं, हमने सेलेक्ट किया और कॉपी किया तो देखिए कीबोर्ड जो मैटर है वो हमारे क्लिपबोर्ड में आ गया। जब हम किसी मैटर को कॉपी करते हैं या कट करते हैं, अब की बार हमने कीबोर्ड को सेलेक्ट किया और कॉपी किया तो देखिए कीबोर्ड भी आ गया। तो जो जो मैटर हम लोग कट या कॉपी करते हैं वो सबके सब मैटर क्लिपबोर्ड में स्टोर होते रहते हैं, जो भी कॉपी करते हैं वो सब। यहाँ पे इनपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर है, इसको हमने यहाँ से कॉपी किया तो वो भी हमारे क्लिपबोर्ड में स्टोर हो गया। और जब हमें उसकी आवश्यकता होती है, जैसे अब हम चाह रहे हैं माई कीबोर्ड लिखना, तो कीबोर्ड हमारा जो है वो हमारे क्लिपबोर्ड में पहले से है तो हमें केवल क्लिक करना होगा और कीबोर्ड यहाँ पर आ गया। तो कट या कॉपी किया गया जो मैटर होता है वो ऑटोमेटिकली क्लिपबोर्ड में स्टोर होता रहता है, और जब हमें उसकी आवश्यकता होती है तो हम ऐसे कर्सर को वहां पे क्लिक करके और
कि अपने मैटर पे जो हमारा कि क्लिपबोर्ड में शो हो रहा है उस पर क्लिक करते हैं, यानी कि पहले मैटर के आगे कर्सर को ले जाएंगे जहां पे उसे लाना है और फिर क्लिपबोर्ड में जो भी मैटर शो हो रहा होगा उस पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर इनपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर जो है वो पेस्ट हो गया। तो इस तरह से क्लिपबोर्ड का काम ये होता है कि जो भी कट अभी हम कट करने वाले हैं, ये हमारा मॉनिटर है, इसको हम कट करेंगे, तो आप देखेंगे ये भी हमारा क्लिपबोर्ड में आ गया। तो जो भी मैटर कट या कॉपी किया जाता है वो क्लिपबोर्ड में स्टोर हो जाता है। ये क्लिपबोर्ड है, क्लिपबोर्ड में स्टोर हो जाता है, और जब हमें पेस्ट करना होता है तो उस पर क्लिक करा के उसे हम पेस्ट कर देते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर हम कोई पेपर तैयार कर रहे हैं और उसमें हमें कई तरह के मैटर बार बार लिखने पड़ रहे हैं और जब उसको हम कॉपी करते हैं तो हमारे वो क्लिपबोर्ड में स्टोर हो जाता है, और जब नेक्स्ट टाइम वही सेम सेंटेंस हमें कहीं लिखना होता है तो क्लिपबोर्ड को खोल करके हम उसे पेस्ट कर देते हैं। तो क्लिपबोर्ड में हम लोग मैक्सिमम 24 शब्द कहिए या वाक्य कहिए को हम अपने क्लिपबोर्ड में स्टोर कर सकते हैं। 24 शब्द को क्लिपबोर्ड में स्टोर कर सकते हैं, जिसके बाद आवश्यकता पड़ने पर उसे हम लोग पेस्ट कर सकते हैं। अगला हमारा हेडिंग है फाइल को प्रिंट करना। तो फाइल को प्रिंट करना क्या होता है दोस्तों, जैसे हमने ये लिखा हुआ है, अगर हम चाहते हैं ये हमारा प्रिंट हो जाए तो आपको आना है फाइल पे और यहाँ पे देखिए लिखा है प्रिंट, प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो इस तरफ आपको प्रीव्यू दिखाई देगा, ये हमारा प्रीव्यू है, ठीक है, जो हम लोग वर्जन यूज कर रहे हैं 2019 ऑफिस का। इसमें आपको जैसे ही आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आपको प्रीव्यू भी दिखाई देगा कि आपका डॉक्यूमेंट किस प्रकार से आएगा। फिर यहाँ पर आपको सेट करना है सबसे पहले प्रिंटर कि आप किस प्रिंटर से प्रिंट करना चाहते हैं। तो जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे कंप्यूटर में जो भी प्रिंटर इंस्टॉल होगा उस सारे प्रिंटर का नाम यहाँ पर शो होगा। जैसे हमारा मान लीजिए HP LaserJet Pro MFP M125 ये प्रिंटर से प्रिंट करना है, या हमारे Epson L380 से प्रिंट करना है, तो जिससे प्रिंट करना होगा उसको सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है रेंज, जैसे अगर हमने बहुत सारे पेज लिखे हुए हैं, हमने लिखे हुए हैं 100 पेजेस लिखे हुए हैं और 100 पेजेस को पूरा प्रिंट करना है, यानी एक से लेके 100 पेज पूरे प्रिंट करने हैं, तो यहाँ पे द होल थिंग सेलेक्ट रहेगा और हम प्रिंट पे क्लिक कर देंगे। लेकिन हम चाहते हैं पहला प्रिंट हो, तीसरा प्रिंट हो, पांचवा प्रिंट हो, तो हम यहाँ पे क्लिक करके आएंगे ओनली प्रिंट ऑड पेजेस। अगर हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो हमारे केवल ऑड पेजेस फर्स्ट थर्ड फिफ्थ ऐसे प्रिंट होंगे, और अगर हम सेलेक्ट करते हैं इवन पेजेस तो हमारे यहाँ पे पहला दूसरा पेज चौथा पेज छठा पेज इस प्रकार से प्रिंट होंगे। यानी अगर हमें अपने डॉक्यूमेंट या फाइल के सभी पेज को प्रिंट करना है तो फिर हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इन दोनों का प्रयोग नहीं करेंगे, हम इसको प्रिंट ऑल पेज पे क्लिक कर देंगे तो हमारा सारा पेज प्रिंट होगा और इसे अनचेक कर देंगे। दोस्तों अगर हमें प्रिंटर के बारे में कुछ सेट करना है, क्या पेपर लगा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे प्रिंटर प्रॉपर्टी में आ करके यहाँ से आप उसका ओरिएंटेशन, उसका पेपर साइज, ये सब उसको कलर में करना है कि ब्लैक एंड व्हाइट करना है, इन सभी को सेट करने के बाद हम यहाँ प्रिंट पे क्लिक करते हैं जिससे हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो प्रिंट हो जाता है। इसके बाद आते हैं हेडिंग लगाना। हेडिंग लगाना क्या होता है दोस्तों, जैसे हम एक न्यू फाइल लेते हैं और इस पर कुछ मैटर को लिखते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक मैटर लिख लिया है, तो अगर मुझे इसे हेडिंग वाइज से करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए जो हमारा यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है जो है वो है टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, तो उसको हेडिंग में ना करके इसको हम लोग टाइटल में करते हैं। तो टाइटल में कैसे करेंगे, देखिए आपको यहाँ पे होम टैब पे स्टाइल्स दिख रहा होगा, यहाँ पे नॉर्मल नो स्पेस हेडिंग वन हेडिंग टू टाइटल, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे टाइटल पे तो हमारा मैटर जो है वो टाइटल में हो गया। उसके बाद ये हमारा पहला हेडिंग है प्राइमरी मेमोरी, जो हमारा पहला हेडिंग है तो यहाँ पे हेडिंग वन पे क्लिक करेंगे। ऐसे ही जो हमारा रैम है ये हेडिंग टू हो जाएगा, जो हमारा रोम है ये भी हेडिंग टू हो जाएगा, और जो हमारा कैच है ये भी हमारा हेडिंग थ्री हो जाएगा। देखिए जो भी हेडिंग स्टार्ट होता है यानी जो पहला हेडिंग होता है उसे हम लोग हेडिंग वन करते हैं, और हेडिंग वन के अंदर जो हेडिंग आता है उसे हेडिंग टू किया जाता है। तो प्राइमरी के अंदर रैम भी है, प्राइमरी के अंदर रोम भी है, प्राइमरी के अंदर कैच भी है, तो यहाँ पर ROM, RAM और कैच ये तीनों ही हेडिंग टू और हेडिंग टू होगा। अब मान लीजिए रैम के अंदर हम लोग फिर से लिखने वाले हैं SRAM और लिखने वाले हैं DRAM, तो SRAM और DRAM
ये हेडिंग 2 के अंदर आ रहा है, तो जाहिर सी बात है ये हेडिंग 3 होगा और डी रैम भी हेडिंग 3 होगा। तो जो मेन हेडिंग है यानी कि ये प्राइमरी मेमोरी, ये हमारा हेडिंग 1 होगा, इसके अंदर आने वाला हेडिंग 2 होगा और हेडिंग 2 के अंदर आने वाला हेडिंग 3 होगा। इसी प्रकार जो सेकेंडरी मेमोरी है हमारा, ये हेडिंग क्या होगा, चलिए कमेंट करके बताइए आप, ये हेडिंग हमारा कौन सा होगा, सेकेंडरी मेमोरी। तो यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट करते हैं इसको और इसको हम लोग करते हैं हेडिंग 1। ठीक है, समझ में आ गया होगा, ये हमारा मेन हेडिंग है, ये भी हमारा मेन हेडिंग है, तो ये 1 और ये 1, हेडिंग 1 के अंदर आने वाला हेडिंग 2, हेडिंग 2, हेडिंग 2, लेकिन 2 के अंदर आने वाला जो एस रैम और डी रैम है ये हेडिंग 3 हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर हेडिंग को लगा दिया, ये हमारा हेडिंग लगाना हो गया। जो मल्टी लेवल लिस्ट है दोस्तों, ये हेडिंग के ऊपर ही प्रॉपरली कार्य करता है, यानी जो हेडिंग लगाया है मैंने इसी के ऊपर ही हमारा जो मल्टी लेवल लिस्ट है ये काम करेगा। अगर हमारा ये नंबरिंग जो है हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 का सही है, तो जैसे ही इसको हम सेलेक्ट करके और यहाँ पर ये बुलेट नंबरिंग और मल्टी लेवल लिस्ट यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे नीचे हेडिंग पे क्लिक कर देंगे, तो देखिए जैसे ही क्लिक करते हैं अगर हमारा हेडिंग का क्रम सही लिखा गया है तो ये भी अपने आप से ही सही क्रम में हो जाएगा। देखिए दोस्तों ये हमारा बिल्कुल सही क्रम में हो गया, ये फर्स्ट, ये सेकंड, और फर्स्ट के अंदर ये ए बी और सी और ए के अंदर 1 और 2। तो ये जो हमने हेडिंग लिखा था हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, इसी को सेलेक्ट करके हमने मल्टी लेवल लिस्ट के द्वारा मल्टी लेवल में इसकी हेडिंग कर ली या इसकी लिस्टिंग कर ली। तो ये होता है मल्टी लेवल लिस्ट। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे आप शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए, अधिक से अधिक लोगों को वीडियो शेयर करिए, जिससे वो इसको देख करके आसान भाषा में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड को सीख पाए। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।